हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि लाइव मार्केट में आप कैसे ट्रेड करोगे, क्योंकि लाइव मार्केट में हमें कुछ आइडिया नहीं होता है कि कौन सा स्ट्रेटजी हमें कब इस्तेमाल करना है। तो जो भी मूवमेंट हमें चार्ट पे देखने को मिलता है, उस मूवमेंट को समझते हुए देखते हुए कैसे हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना है और हम कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड लेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल तरीके से बताने जा रहा हूं। सो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लाइव मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, 3rd अगस्त के डेटा को यहाँ पे हम एनालाइज करके बता रहे हैं कि आप इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, प्राइस आपका गैप अप ओपन हुआ है, यानी ये ओपन हुए जस्ट 15 मिनट ही हुआ है। यहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या कर रहा, दो कैंडल है, दोनों लगभग आपका सेम टॉप का फॉर्मेशन कर रहा, यानी दो कैंडल्स सेम टॉप बना रहा। क्या होता है अगर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये कैंडल अभी पूरा बना नहीं है, अगर ये कैंडल बन गया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, मतलब ये कि यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन हो सकता है और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। जो भी रेड कैंडल लोएस्ट पॉइंट बनाएगा उसके नीचे यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस रेड कैंडल के क्लोज होने का। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं जब ये रेड कैंडल यहाँ पे कंप्लीट क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कैंडल ने आपका क्या बनाया, सेम टॉप का फॉर्मेशन किया है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी दो या दो से ज़्यादा कैंडल आपका सेम टॉप का फॉर्मेशन करे, थोड़ा बहुत अपसेट मूव दिखाने के बाद, और वो भी रेजिस्टेंस लेवल के पास जो कि यहाँ पे 17,400, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद प्राइस नीचे साइड की तरफ जाएगा। और जैसे ही इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके प्राइस नीचे गया, हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ जाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे जो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे वो 17,370 के करीब यहाँ पे हम सेल पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ पे आपका नीचे साइड की तरफ ही जा रहा है और ये जो पॉइंट है ये मेरा SL के रूप में काम करेगा। और हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, प्रीवियस डे का जो भी क्लोज है ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे टारगेट प्राइस। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले ही कैंडल कंप्लीट होने से पहले ही आपको बता दिया था कि जैसे ही क्लोजिंग देगा और ये जो डबल टॉप बना इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और प्राइस जैसे इसके नीचे आएगा हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, तो मेरा सेलिंग लेवल यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया, जो कि होगा 17,370, या फिर एग्जैक्ट फिगर लेते हैं तो 17,360 करीब होगा। तो यहाँ पे हम 360 लेते हैं, थोड़ा सा कम ही लेते हैं, और टारगेट प्राइस जो यहाँ पे हम रखेंगे वो रखेंगे 17,275 के करीब। तो लगभग मेरा यहाँ पे 80 पॉइंट के करीब यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस बनेगा। और अगर हम ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो ऑप्शंस में यहाँ पे हम कौन सा ट्रेड लेंगे, 17,400, जो कि स्लाइटली इन द मनी है। इस पुट ऑप्शंस को यहाँ पे हम बाई करना प्रेफर करेंगे, कहाँ पे, इस लेवल के करीब ही। तो ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना और हमें फ्यूचर्स में क्या ट्रेड लेना, ये सब हमें क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया और हमारा टारगेट प्राइस ये होगा। तो आपसे मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ जब ये पोजीशंस आइदर मेरा ये जो SL है ये SL को हिट करेगा, या फिर प्रीवियस डे का जो भी क्लोजिंग पॉइंट है इस क्लोजिंग पॉइंट को हिट करके यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस हिट करेगा। सो थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब यहाँ पे हमें कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी टाइम हो रहा लगभग आपका 10 बजे के करीब, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस क्या था, ये हमारा टारगेट प्राइस था 17,275 के करीब, जो कि मेरे टारगेट प्राइस को आसानी से हिट किया और प्राइस यहाँ से नीचे साइड की तरफ भी गया, यानी मुझे यहाँ पे 80 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल गया अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में भी मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस के डेटा को देखें तो। यहाँ पे आप चाहो तो पीछे जाके ऑप्शंस के डेटा को भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ भी आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि हम स्लाइटली इन द मनी लिए थे। एट द मनी 50% के करीब मूव करता है और इन द मनी स्लाइटली ज़्यादा मूव करता है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा वो ट्रेड कंप्लीट हो गया लगभग 1 घंटे के अंदर ही। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आपका 17,300 के ऊपर है और यहाँ पे लॉन्ग टेल एट द टॉप बनाया है, डैट मीन्स टू हमें बायर्स में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की मदद लेते हैं
कि यहाँ पे 17,300 के ऊपर प्राइस टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा, हम थोड़ा बहुत आइडिया ऑप्शन चेन से लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन चेन पे आ गए और टाइम हो रहा है 10:02 के करीब। अब यहाँ पे हम देखते हैं 17,300 के लेवल के करीब, अगर हम यहाँ पे पुट साइड की तरफ देखें तो इधर आपका लगभग 70 लाख के करीब क्या है ओपन इंटरेस्ट है और 22 लाख के करीब क्या है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड की तरफ अगर हम देखें तो इसके अगेंस्ट इधर आपका 78 लाख के करीब क्या है ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग आपका 28.5 लाख के करीब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो चाहे ओपन इंटरेस्ट हो या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो, दोनों किस तरफ ज़्यादा है, कॉल साइड की तरफ ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हावी दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मार्केट 17,300 के ऊपर ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। अगर आप अभी प्राइस देखें तो 17,325 के करीब ट्रेड कर रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको ब्रेकआउट समझ लेंगे और इसको बाय साइड की तरफ जो एंट्री पॉइंट है वो समझ के यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाते हो ऑप्शन चेन के अगेंस्ट तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, प्राइस को 17,350 के ऊपर जाने देंगे तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, उससे पहले यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे आप ट्रैप से बच सकते हो क्योंकि कई बार इसी तरीके का ट्रैप बिछाया जाता है और ये सब आपको आएगा एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे आप यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे कुछ कुछ सिचुएशन को देखते हुए लग जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैप बिछाया जा रहा है और यही सब चीज़ को आइडेंटिफाई करना जो कि आपको अल्टीमेटली क्या करने में हेल्प करता है, लॉस को एवॉइड करने में हेल्प करता और ये आपके एक्यूरेसी लेवल को इनक्रीज करता है। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब यहाँ पे हमें कुछ एक्शन होता हुआ दिखता है और हमें देखना है कि यहाँ पे अल्टीमेटली हुआ क्या है। तो यहाँ पे अब हम 20 मिनट बाद लगभग वापस आए और हमने आपको क्या बोला था, इस लेवल करीब जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था 17,325 करीब, तो मैंने बोला था कि 17,300 के ऊपर कॉल वाइटर्स ज़्यादा हावी है और इसके ऊपर निफ्टी का टिक पाना मुश्किल है और यहाँ पे जो भी लोग बाई करेंगे वो यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हैं। और देखिए एग्जैक्टली हुआ ऐसा भी। अब यहाँ पे मुझे आइडिया कैसे मिला कि यहाँ पे ट्रैप बिछाया गया है, अब जो भी लोग यहाँ पे बाय किए होंगे उनको लॉस से कोई नहीं बचा सकता, उनका एसएल हिट हुआ होगा और वो अल्टीमेटली लॉस में होंगे। तो अब बिग क्वेश्चन है कि यहाँ पे मुझे कैसे आइडिया मिला कि यहाँ पे ट्रैप बिछाया गया। सबसे पहला ये कैंडल देखिए लॉन्ग टेल एट द टॉप, मतलब ये कैंडल हमें बता दिया कि ऊपर में बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद अब बायर्स को ट्रैप कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे देखिए जबरदस्त बाइंग आया। ये जो ग्रीन कैंडल है ये आपका ट्रैप कैंडल है, बहुत सारे लोग इसको अच्छा ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे बाय साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे। लेकिन सिर्फ यही कैंडल एक है जो कि बायर्स का स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसके अलावा कोई भी कैंडल में आपको बायर्स में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कैंडल स्टिक के जरिए भी थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं, बाकी अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो वहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे बाय साइड की तरफ नहीं जाना और अल्टीमेटली प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रेड हमने इनिशिएट किया जहाँ पे मुझे लगभग 80 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और हमने क्या किया ऑप्शंस की बात करें तो लगभग यहाँ पे हमें 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पे लिया नहीं, दूसरा हमने क्या किया, हमने जो ट्रैप जाल बिछाया गया था उस ट्रैप को यहाँ पे हमने एवॉइड किया। ये सब हम लाइव मार्केट में सिचुएशन को देखते हुए कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा और जहाँ पे कन्फ्यूज है वहाँ पे आप क्या करें ऑप्शन चेन की मदद लें या नहीं तो आप यहाँ पे कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इस तीन कैंडल को एक साथ ब्लेंड करो तो क्या बनता है, ओपन हुआ है इस प्राइस पे, वापस से आपका क्लोजिंग दिया है इस प्राइस पे और ये हाई बनाया लगभग आपका इसके करीब, कैंडल कलर ग्रीन जरूर होगा और लो बनाया इसके करीब, यहाँ पे कलर इसका ग्रीन जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टेल एट द टॉप। लॉन्ग टेल एट द टॉप का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स मार्केट को अभी कंट्रोल जरूर किए हुए हैं लेकिन एट द सेम टाइम जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, सेलर्स अपना प्रेजेंस दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या किया, सेलर्स अपना प्रेजेंस दिखा रहा मतलब वो आगे अपना स्ट्रेंथ गेन कर सकता है, अगर वो आगे अपना स्ट्रेंथ गेन किया तो प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ जा सकता है। और ये चीज़ हो कहाँ पे रहा, ये आपका क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल के पास हो रहा, यानी आपका सप्लाई जोन के पास हो रहा जहाँ पे हमें ज़बरदस्त सप्लाई देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ भी आप सिचुएशन को देखते हुए एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं जब यहाँ पे हमें कुछ एक्शन होता हुआ दिखेगा या फिर ऐसा कुछ दिखे जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं।
तो यहाँ पे हम वापस से चार्ट पे आए और टाइम हो रहा लगभग आपका 12:45, यानी अब यहाँ पे हमें चार्ट पे कुछ पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और ये पैटर्न काफ़ी पावरफुल है। कौन सा पैटर्न है, चलिए मैं ड्रॉ करके ही दिखाता हूँ। देखिए प्राइस यहाँ से आपका नीचे साइड की तरफ गया, फिर स्लाइटली ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से आपका अपसाइड की तरफ जा रहा। अगर ये इस तरीके से ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा। और नीचे में देख सकते हैं पहला बॉटम यहाँ पे है और दूसरा बॉटम यहाँ पे फॉर्मेशन किया, यानी आपका डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया और वो भी कहाँ पे, सपोर्ट लेवल के पास। ये सब काम कहाँ पे हो रहा, सपोर्ट लेवल के पास। और इसका जो नेक लेवल है वो कौन सा है, देख सकते हैं ये इसका नेक लेवल है और नेक लेवल लगभग है 17,275 के करीब। तो अब यहाँ पे प्राइस जैसे 17,275 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय पोजीशंस इनिशिएट करेंगे लगभग आपका 17,280 के आसपास। तो देखिए प्राइस अभी इससे नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने अपना सारा ट्रेड सेटअप तैयार कर लिया, इसके करीब जाएगा तो हम बाई करेंगे। ये जो लेवल है ये हमारा SL के रूप में काम करेगा और इस लेवल की अगर हम बात करें तो है 17,225 के करीब, यानी लगभग हमारा यहाँ पे 50 पॉइंट के करीब क्या आ रहा, हमारा SL आ रहा है। ठीक है, 50 पॉइंट का SL आ रहा है। कहाँ पे एंट्री लेना वो हो गया टारगेट प्राइस। तो ये गिरना कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, तो ये हमारा बन जाएगा जो लेवल है 17,380 करीब, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे टारगेट प्राइस। और टारगेट जो लगभग है वो मेरा यहाँ पे 100 पॉइंट का। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी RRR की बात करें तो वो क्या बन रहा है, वो बन रहा 1:2, यानी जो मेरा SL है वो एक पॉइंट का और टारगेट प्राइस मेरा 2 पॉइंट का, यानी इसका डबल है, जितना SL है उसका डबल टारगेट प्राइस है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेरे फेवर में। तो आपको इसी तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई करके ट्वीट लेना, और रिसेंटली हमने आपको W पैटर्न और M पैटर्न भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब ये सब मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इसी तरीके से लाइव मार्केट में इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सको, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए बस आपको यहाँ पे पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और पैटर्न को आइडेंटिफाई करना कोई डिफिकल्ट नहीं था, मैंने सिंपल तरीका बताया था कि आपको 2 बॉटम फाइंड करना है कहाँ पे, सपोर्ट लेवल के पास, और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का ड्राइंग्स करना है। तो यहाँ पे आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब आइदर यहाँ पे हम पोजीशंस ले लें और या नहीं तो ये और भी कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाए। तो अब यहाँ पे देखिए लगभग 10 मिनट बाद यहाँ पे हम आ रहे हैं और यहाँ पे जो हमारा लेवल था जो हमें एंट्री लेना था 17,280 करीब, प्राइस अभी उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ पे हमारा जो एंट्री लेवल था वो कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें जो एंट्री लिया इस लेवल पे एंट्री लिया, SL जो है 17,225 के करीब है और टारगेट प्राइस है 17,380 के करीब, यानी यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। और देखिए प्राइस आपका इसी डायरेक्शन में ऊपर साइड की तरफ ही जा रहा है, जहाँ भी W पैटर्न का फॉर्मेशन होता है उसके बाद हमें जनरली प्राइस आपका अपसाइड की तरफ ही जाता हुआ दिखता है, ये फॉल्स होने के चांसेस कम होता है, इसका एक्यूरेसी लेवल जो होता है लगभग आपका 70% करीब होता है। और जिस तरीके से ये सपोर्ट लेवल के पास फॉर्म किया, डेज लो के पास बनाया, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो एक्यूरेसी लेवल है और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे हम सेफ्टी के साथ काफ़ी सेफली ये पोजीशंस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और देखिए लगभग 17,300 के लेवल को इसने आसानी से हिट कर दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ करना, जैसे ही मार्केट आपके फेवर में 50 पॉइंट आ जाए तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर ले आइए, जिस प्राइस पे बाई किया उस प्राइस पे, यानी तो 10-15 पॉइंट ऊपर। तो 50 पॉइंट का मतलब है कि हमने बाई कहाँ पे किया था, 17,280 करीब, यहाँ से अगर ये 17,330 करीब आ जाएगा तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, 17,290 के करीब ले आना है, मेरा SL इंक्रीज होकर ये हो जाएगा। मतलब एनी हाउ मुझे यहाँ पे अब 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलना ही मिलना, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। तो मार्केट जब भी आपके फेवर में 50 पॉइंट जाए, चाहे आप इस पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो या फिर कोई भी पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो या फिर ऐसे ही ट्रेड ले रहे हो, मार्केट आपके फेवर में 50 पॉइंट मूव करने के बाद आपको किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरह का आपको स्ट्रेटजी बना के चलना है, तभी आप जो भी ट्रेड है वहाँ से प्रॉफिट एग्जीक्यूट करके लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकते हैं। तो चलिए आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ जब आइदर यहाँ पे ये जो मेरा SL है ये हिट हो जाए या फिर ये जो हमारा टारगेट है ये हिट हो जाए, तब मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:10 करीब, और जो हमारा टारगेट प्राइस है देख सकते हैं, प्राइस आपका
वन साइडेड अपसाइड मूव दिखाया और हमारा जो टारगेट प्राइस था 17,380 करीब, वो टारगेट प्राइस हिट कर दिया और इनफैक्ट प्राइस यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर भी गया है, यानी मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट के करीब और प्रॉफिट मिल गया। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे मुझे लगभग 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाता। ऑप्शंस में जो हम ट्रेड लेते हैं यहाँ पे 17,300 के करीब कॉल ऑप्शंस यहाँ पे हम बाई करना प्रेफर करते हैं, या नहीं तो ये ज़्यादा इन द मनी हो जाता तो 17,350 का कॉल ऑप्शंस भी आप उस सिचुएशन में बाई कर सकते थे। तो इसके बेसिस पे ऑप्शंस में भी ट्रेड किया जा सकता है काफ़ी आसानी से, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस जो स्पॉट लेवल है उसको देखते हुए आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना पड़ेगा। और यहाँ पे 100 पॉइंट का मतलब है कि हम इन द मनी के लिए जा रहे हैं तो 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट ऑप्शंस में मिल जाता और ये कम प्रॉफिट नहीं होता। तो ओवरऑल हमने कितना प्रॉफिट बनाया, अगर हम यहाँ से बात करें तो ओवरऑल जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया उस टाइम पे 80 पॉइंट और अभी 100 पॉइंट, लगभग 180 पॉइंट का प्रॉफिट बना लिया। और ये सब मैंने आपको लाइव मार्केट में एक्सप्लेन किया। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन से भी यहाँ पे आप 100 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते थे इस अपसाइड मूव से। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है काफ़ी क्रूशियल 17,400, इसके करीब प्राइस आ गया। अब हमें पता करना है कि इस लेवल को प्राइस ब्रेक करके ऊपर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, उससे पहले टाइम भी देखना है। ऑलरेडी आपका 3:15 के करीब टाइम हो गया है पीएम के करीब, तो मार्केट के लिए बस 15 मिनट का टाइम रह जाता है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अगर आप अभी तक एग्जिट नहीं किए हैं तो यहाँ पे एग्जिट ले लीजिए, फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे नहीं लेना, लेना रिस्की हो सकता है। तो चलिए अब हम ऑप्शन चेन की मदद लेते हैं और हम सीखने के लिए देखते हैं कि अगर इस तरह के सिचुएशन में ये लेवल ब्रेक होगा या नहीं होगा, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये काम 2 बजे हो रहा होता तो हमें कैसे पता होता कि ये लेवल ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, उसका आइडिया हम ऑप्शन चेन पे चलते और वहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे देखें अब हम ऑप्शन चेन पे आ गए, यहाँ पे हम 17,400 के लेवल पे देखें। सबसे पहले कॉल राइटर्स को देखते हैं, कॉल राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट लगभग आपका 70 लाख करीब है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपका 20 लाख के करीब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 19 लाख करीब है और ये आपका 70 लाख के करीब है। अगर हम इधर देखें तो ओपन इंटरेस्ट पुट साइड की तरफ सिर्फ आपका 29 लाख के करीब है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका 17 लाख के करीब है। तो सारे लिहाज से यहाँ पे कॉल राइटर्स हावी हैं। अब कॉल राइटर्स हावी है तो प्राइस इसके ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, मतलब यहाँ पे मुझे ऑप्शन चेन से क्लियर कट आइडिया मिल गया कि प्राइस आपका 17,400 से ऊपर जाने वाला नहीं है। तो इसको भी देखते हुए यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और इसके बाद हम कोई बाय पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे और कोई हम कॉल साइड की तरफ या फिर बाय साइड की तरफ BTST ट्रेड भी नहीं लेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि आप लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करोगे, उसके बारे में आपको बहुत कुछ आइडिया मिला होगा और इसके बेसिस पे कब हमें ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना, कब ट्रैप बिछाया जाता है, उस सब भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पूरा अपना सेंस ओपन करना पड़ेगा और जो भी आपने सीखा उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो जब भी हम आगे बनाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।